जी कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो है इजी स्टेप में बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल पैटर्न सीख लेते हैं। और साथ में क्लियर कर रही हूँ, इसमें अभी जो है बाजू भी बनने को रही है। और बाजू, यदि आपको ये पैटर्न आता है तो आप बाजू भी जो है इजी बना सकते हैं। और इसी स्टेप को जो आपने फॉलो करना है, रिपीट करना है, ये फ्रंट से इस तरह से देखिए, है ना। और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनकर आया हुआ है। और बैक से ये इस तरह से आपको इस तरह से दिखा लेती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में जो है सारे स्टेप वन बाय वन करके क्लियर कर दूँगी। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। थैंक यू। इस तरह से एक एक फंदा हमारा बाहर की ओर से दोनों साइड से आ जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल शेप। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, ये शेप में आ गए। और सेंटर के 8 2 4 6 8 बंदों को हमने जो है सिंपल में निट करते हुए जाना है, ठीक है। बेबी का देखने आपने इसमें ना देख लेना है कि बेबी कितने ईयर का है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने रो लगानी होती है। आर्म होल देखने 6 इंचज़ है 7 इंचज़ है, तो मैं यहाँ पर जस्ट 40 रो लगाने जा रही हूँ, है ना। से मेरी स्ट्रिप जो है यहाँ पर रेडी हो गई, इसे पक्का कर लेती हूँ, इसमें नॉट लगा दी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर इन फंदों को मैंने वन बाय वन करके पीछे की ओर ले जाना है, ठीक है। मैंने आर्म होल यहाँ पर बनाने से पहले आप 5-5 फंदों को लेस कर सकते हो, 3-3 के मतलब 3-3 को भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं भी करना चाहते तो कोई कंपल्सरी नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरह से मैं इसे बैक साइड पर कर लेती हूँ। और हमारा धागा इस तरह से सारे के सारे मैंने ये फिनिश करना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पूरे फंदे बैक साइड में कर दिए थे, जितनी नीडस थी ना बैक साइड में चली गई थी। और उसके बाद जितनी मैंने यहाँ पर रो ली है, इसके इक्वल्स में मैंने यहाँ पर इसे भी नीट करते हुए जाना है, फिर पूरे के उसको लेस कर देना है, ठीक है, इक्वल्स में आना चाहिए। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इन दोनों को स्टिच कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला साइड भी, ये वाला पोर्शन भी इस तरह से ही नीट होगा। तो चलिए उसके बाद मैं आपको लास्ट स्टेप बताऊंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अब आ जाइए सेंटर में, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए दोनों साइड मेरी बन गई है ना मेरी स्ट्रिप, ठीक है। अब मैंने इस तरह से मैंने वन बाय वन करके इनको भी मैंने बैक साइड में ले जाना है और लास्ट तक ले जाना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। इस तरह से सारे फिनिश हो गए, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, बटन बंद, पैंट रो लेनी है जितनी यहाँ पर स्टेप में ली है। यदि आपको 40 है तो 40 44 है, तो अब इसके इक्वल्स में फिर, ठीक है, फिर आपकी स्टिचिंग होगी साथ में प्लेंट प्लेंट। आपका ब्रो वॉच लगेगा, ठीक है। नेक में 120 फंदे आ जाएंगे और ये बैक साइड है, ठीक है। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू।